डभोई तालुका के चांदोद स्थित परम हित धाम संकुल और सोमपुरा गांव में लोगों के बीच कोहराम मचाने वाले वैसे जंगली तेंदुए को आखिरकार पिंजरे में कैद किया गया। डभोई तालुका में आए हुए पवित्र यात्राधाम चांदोद स्थित परम हित धाम संकुल में तथा सोमपुरा गांव में एक जंगली जानवर तेंदुए ने पिछले कई दिनों से अपना कोहराम मचाते हुए चार जितने पशुओं का शिकार किया है, जिसके साथ स्थानिक गांव लोगों में भी अब यह जंगली जानवर का उतना ही डर और दहशत बढ़ी है। तो वहीं स्थानिक लोगों द्वारा ढेरों बार वन विभाग को इस बात की शिकायत करते हुए जंगली जानवर तेंदुए को पकड़ने के लिए रजूआत और मांग की गई है, लेकिन बहरे और मूंगे बने वैसे अधिकारियों पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ते हुए आए दिनों स्थानिक लोग और बेजुबान पशु इसका शिकार बनते हैं। जहां हाल ही में जंगली जानवर पशुओं द्वारा एक जानवर का शिकार करने के अंतर्गत वन विभाग और नेचुरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया था, जहां आखिरकार लगाई गई सफल कार्यवाही के तहत फाउंडेशन द्वारा की गई कामगिरी के तहत जंगली जानवर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद होते हुए स्थानिक लोगों ने राहत की सांस ली थी। तो वहीं अभी भी दो जंगली तेंदुए विस्तार में खुलेआम घूम रहे हैं, वैसे स्थानिक लोगों में डर बना है। चाणोद खाते आश्रम हरी आश्रम नाम छे परमहित धाम आश्रम में अचानक रात्रे दीपड़ाए हमलो करी अने चार वासड़ी पर हमलो कर्यो हतो, तेमानी बे वासड़ी स्थल पर ज मरण पामेली, बे जीवित छे। अने अमे फॉरेस्ट स्टाफे बीजी रात्रिए पिंजरानी व्यवस्था करी अने पिंजरू गोठवेल आश्रमनी बाजूमां, तो त्यां दीपड़ो पांजरे पुरायो छे। एने सुरक्षित जग्याए जंगल विस्तारमां छोड़वामां आवशे। नर छे, लगभग एनी उमर 7.5 થી 5 વર્ષની છે।